हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप देख रहे हो ऑटोटेक्जोन। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, पीछे की लोकेशन देख के आप समझ ही गए, मैं एक बार फिर से आया हूँ ग्लोबल बजाज गणेश नगर में। और पीछे दोस्तों, आज हमारे साथ जो बाइक है वो है सिटी 1110। या दोस्तों, गाड़ी बजाज ने सिटी 1110 के साथ भी काफ़ी बदलाव करे है। तो इस वीडियो में आपको इसी गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि क्या इसमें चेंजेस है, क्या इसमें नए फीचर्स एड ऑन हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी गाड़ी के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सिटी 1110 के साथ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सिटी 1110 के साथ और बताते हैं कि क्या कुछ फीचर्स नए ऐड किए हैं इस गाड़ी के साथ, क्या कुछ बदलाव किया है इस गाड़ी के साथ कंपनी ने। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फेशियल से। दोस्तों, अगर इसका फ्रंट देखेंगे तो चेहरा मोर आपको सिर्फ वही सिटी 100 वाला ही दिखेगा। लेकिन जो इसमें आपको फ्रंट पहला चेंजेस आपको जो नज़र दिखेगा वो आएगा आपको जो शॉकर्स के ऊपर, ये जो आपको कवर देखेंगे स्प्रिंग टाइप के, तो शॉकर के ऊपर ये कवर दिए गए हैं ताकि आपके शॉकर्स जल्दी से गंदे ना, उसके अंदर मिट्टी ना जाए, ताकि आपके शॉकर के सील जल्दी से ना कटे। तो ये इसमें आपको एक फीचर्स दिया गया है। अगर इसकी हेडलैम्प की बात करें तो दोस्तों, इसमें अभी भी बल्ब ही आता है, हैलोजन लैम्प इसके अंदर है। इसमें अभी भी कोई आपको LED का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई आपको DRL नहीं मिलेगी प्लेटिना की तरह, जैसे कि मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था। अगर वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ, वो भी आप देख सकते हैं, और आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके शॉकर की बात करूँ तो देखो दोस्तों, इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम इस बार कंपनी ने दिया है वो एंटी स्किड इसमें ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, ताकि आपकी गाड़ी जल्दी से स्किड नहीं करेगी। और आप जैसे कि हर कंपनी का अलग अलग इसमें फीचर्स होते हैं, कोई कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इसमें जो बजाज की टेक्नोलॉजी वो है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के टाइम पे 125 cc है, उसके नीचे की गाड़ी में कॉम्बी ब्रेकिंग होना जरूरी है, या फिर 125 cc की गाड़ी है तो उस पर आपको ABS होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे आपको एंटी स्किड वाली कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको अलॉय मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप ये मैं आपको इसका टायर का पैटर्न दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए तो टायर का पैटर्न कितना इसमें बढ़िया देगा। इसमें जो आप इसके कर्व्स देख पा रहे हैं, जो इसकी आप इसमें ग्रिप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी है, इसमें काफ़ी अच्छा पैटर्न इसमें दिया है। तो नॉर्मली आप इसको ऑफ रोड पैचेज में भी अच्छी खासी इस गाड़ी को चला सकते हैं। यहाँ साइड में आपको यहाँ पे साइड्स में इसको दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम की या पैचिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो आपको टायर्स मिलते हैं दोस्तों, मैं आपको टायर्स बताता हूँ जो इसमें टायर वो ईरो ग्रिप के आते हैं दोस्तों। तो आप ऐसी कोई
ज़्यादा इसमें आपको MRR पे किसी अच्छी और किसी कंपनी का टायर इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बजट ओरिएंटेड गाड़ी है तो इसमें आपको हर एक चीज़ बजट में मिलेगी। अगर इसमें इंजन की बात करते हो दोस्तों, इंजन जो है इसमें बिल्कुल नया दिया गया है प्लेटिना की तरह। प्लेटिना में आपको पहले फ्रंट में 1110 सेक्शन में उसमें आपको डिस्क मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्क देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी बात करें तो ये भी 1110cc का इंजन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग है प्लेटिना से, ये DTSI इंजन आपको मिल जाएगा, जो कि ये बजाज की टेक्नोलॉजी है, DTSI ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी। आप में से काफ़ी लोग, मेरे को पता भी होगा कि बजाज की अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। इस गाड़ी की जो इंजन की जो पावर जनरेट करता है 7.8 PS पावर जनरेट करता है 8.4 Nm टॉर्क के साथ। इसमें आपको किक ऑप्शन मिल जाएगा, साथ के साथ जो आप ये ग्राफिक्स देख रखे 3D ग्राफिक्स, ये ड्यूल टोन कलर के साथ और 3D ग्राफिक्स के साथ गाड़ी दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। गाड़ी के कलर को काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिट एंड फिनिश गाड़ी की काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर मैं इसके पेट्रोल टैंक की बात करूँ दोस्तों, तो ये 11.5 लीटर का पेट्रोल टैंक है, और साथ के साथ यहाँ पे आपको पेट्रोल टैंक ये कवर या गार्ड देखने को भी मिल जाएंगे, ताकि आपकी ग्रिप पैरों के यहाँ पे और अच्छी खासी बनी रहे। कवर पे भी देखेंगे तो आपको प्लास्टिक कम मिलेगा, लेकिन ये जो इसकी पेंट फिनिश काफ़ी अच्छी लग रही है। साथ के साथ मैं आपको इसका साइलेंसर दिखा दूँ, साइलेंसर पर जो सिल्वर का जो टच दिया गया है, इसको भी आप ड्यूल टोन कह सकते हैं, लेकिन सिल्वर का टच काफ़ी अच्छा लग रहा है, गाड़ी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ के साथ मैं आपको इसके मैं शॉकर के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका शॉकर भी काफ़ी पीछे का अच्छा है, स्प्रिंग इन स्प्रिंग आप शॉकर कह सकते हैं, डबल स्प्रिंग के साथ ये शॉकर है, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी शॉकर आप इसमें कह सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं सीट की बात करूँ तो दोस्तों, सीट आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी लंबी सीट दी गई, लेकिन प्लेटिना के जितनी मुझे इसकी लंबी नहीं लग रही है, तो फिर भी ओवरऑल लुक इसकी काफ़ी अच्छी लंबी सीट है दोस्तों। तो दो राइडर प्लस पिलियन को कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली है दोस्तों, तो सीट काफ़ी लंबी है। पीछे की मैं अगर बात करूँ, पीछे का इसका चेहरा दिखाऊँ, तो दोस्तों पीछे भाई बल्ब का इसमें आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो पीछे से कोई चेंजेस नहीं है, वही आपको पुरानी सिटी 100 की तरह इसमें आपको बैकलाइट मिलेगी, ताकि और इंडिकेटर में भी आपको इसमें बल्ब का ही ट्रीटमेंट मिलेगा। पीछे के टायर में देखो तो दोस्तों, पीछे के टायर की ग्रिप भी आपको फ्रंट के टायर की तरह ही मिलेगी दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ऑफ रोड ऑन रोड सब जैसे सरफेस पर आप इस गाड़ी को ईजिली चला सकते हैं। पीछे भी आपको इसमें ड्रम ब्रेकिंग देखने को ही मिलेगा, साथ में आपको साइड में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 8.5 देखने को मिल जाएगा, आपको 110cc की यहाँ बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें गियर सिस्टम की बात करते हो दोस्तों, इसमें आपको 4 गियर ही मिलेंगे, प्लेटिना में 5 गियर के साथ इंजन इक्विप्ड है, लेकिन इसमें आपको 4 गियर के साथ ही इसमें इंजन आपको मिलेगा दोस्तों। ऊपर की मैं बात करूँ तो स्विच की क्वालिटी जानी पहचानी आपको मिलेगी, वही फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का मिल जाएगा, इंडिकेटर मिल जाएगा आपको, हॉर्न का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपको इसमें सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाएगा। अगर इसमें हैंडल की बात करूँ तो दोस्तों, हैंडल भी इसमें पूरा नया आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट आप देख रखे हैं, एक नई रोड यहाँ पे ऐड की है, जिससे कि आपको गाड़ी में कि वाइब्रेशन पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगी, गाड़ी में वाइब्रेशन इसकी वजह से काफ़ी आपको इसमें कम लगेगा, तो ये काफ़ी अच्छा ऐड ऑन गाड़ी में किया गया है। साथ के साथ इसके इंस्ट्रूमेंट में आपको दिखाऊँ तो ये पूरा एनालॉग है, इसमें कुछ डिजिटल नहीं है। यहाँ पे आपको इसका स्पीड मिल जाएगा, आपको मीटर रीडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको इसका फ्यूल इंडिकेशन मिल जाएगा, तो इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। प्लेटिना की बात करते हो, प्लेटिना में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। साथ के साथ अगर मैं इसके मिरर की बात करता हूँ, मिरर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मिरर की आप विजिबिलिटी कह सकते हो वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़े हैं, तो पीछे की विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। साथ के साथ पेट्रोल की टैंक, जैसा मैंने आपको बताया 11.5 लीटर का है, तो एक एवरेज ओरिएंटेड गाड़ी है, तो 11.5 अगर आपको 60, 65 या 70 की एवरेज मिलती है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कि आपको इस 11.5 के साथ ही कितनी अच्छी एवरेज मिलने वाली है। तो ओवरऑल लुक मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, साथ के साथ मैं आपको एक बार 360 इसका व्यू भी दिखा देता हूं कि आपको गाड़ी ओवरऑल कैसी लग रही है। ये देखिए, यहाँ से भी मैं साइड से भी आपको पूरा दिखा दूँ। साथ के साथ इसमें आपको लेग गार्ड भी अदर इस गाड़ी में मिलेगा, तो लेग गार्ड भी काफ़ी हैवी काफ़ी मोटा है, ऐसी कुछ दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है दोस्तों। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है, फिटनेस फिनिश काफ़ी अच्छी है, एक एवरेज ओरिएंटेड गाड़ी है दोस्तों, और कह सकते हैं कि एक बजट गाड़ी है, तो इतना ही हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाड़ी में जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए, कंपनी ने जो बदलाव करें वो मैंने आपको बता दिए, जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं अलॉय आए हैं, 110cc का नया इंजन है, हैंडल बार चेंज है पूरा, तो ये काफ़ी कुछ इसमें नए चेंजेस। तो चलिए बात करते हैं आपसे मेरी वीडियो के अगले पार्ट में दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो CT 110 के बारे में। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा वॉकराउंड दिया, सारे फीचर्स के बारे में बताया दोस्तों। ये एक बजट ओरिएंटेड बाइक है, एक एवरेज ओरिएंटेड बाइक है, तो इसका मैं अब आपको प्राइस बता देता हूँ, 44,500 समथिंग इसका एक शोरूम प्राइस है। बाकी मैं शोरूम का एड्रेस, शोरूम का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कोई भी इसकी क्वेरी है तो आप फोन करके इसके बारे में पता कर सकते हैं, या फिर बजाज की गाड़ी के बारे में कोई भी क्वेरी है, कोई भी उसके जानकारी चाहते हैं, तो आप शोरूम पे फोन कर सकते हैं या फिर शोरूम विजिट कर सकते हैं।
अपनी गाड़ी को भी देख सकते हैं यहाँ पे आके, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और गाड़ी पसंद है तो उसको बुक करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी शोरूम का भी एड्रेस और गाड़ी के भी पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और शोरूम पे फोन कर सकते हैं, भी आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब कुछ था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो को क्लोज करते हैं इसी नोट पे, तो मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।